जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सियादा अष्टमी पर किए जाने वाले कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक और सरल उपाय, जिससे हमारे जीवन की सभी बाधाएं कटें, हमारे सभी कार्य आसानी से हो जाएं और हम अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करें। क्योंकि राधा अष्टमी बहुत ही एक अच्छा दिवस है और इस दिवस को हमें खाली नहीं गंवाना चाहिए। हमें इस दिवस पे जो है छोटे मोटे अपने उपाय कर लेने चाहिए, जो हमें जिस भी कार्य के लिए हमें जरूरत हो, और कई सारे क्षेत्रों में हमें ये उपाय कर सकते हैं और हम इन उपायों करके अपने कार्य को आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और रास्ते में आने वाली बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे ये जो उपाय हैं, उपाय करने से पहले आप राधा अष्टमी में व्रत जरूर रखें। क्योंकि अगर आपने जन्माष्टमी में व्रत रखा है तो आप श्री राधाष्टमी का भी व्रत जरूर रखें। और इस व्रत की कथा, विधि, महत्व आदि क्या है, इसके क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसके लिए आप हमारे जो पहला वाला वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में दे देंगे। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, उस व्रत को करिए। व्रत करने के बाद फिर आप इन उपायों को अपनाइए। इनको छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए। इनको करने से आपके जीवन की कई सारी जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। तो कई उपाय हैं। सबसे पहला उपाय हमारा है, जैसे हमें अपने प्रेम में सफलता की प्राप्ति कैसे हो। क्योंकि राधा कृष्ण, देखिए राधा कृष्ण जी जो हैं वो दोनों प्रेम रूप के ही अवतार हैं, दोनों एक दूसरे के ही अंश हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा हैं। जब दोनों ही एक हैं तो दोनों का प्रेम भी अमर है। और अमर प्रेम की प्राप्ति के लिए हमें जो है, अगर हम कोई उपाय करते तो हमारा सफल सिद्ध होता है। ये दिन बहुत ही शुभ है, इसको उपाय करिए। तो इसका जो उपाय है, अगर किसी के प्रेम में सफलता नहीं प्राप्त हो रही तो प्रेम में सफलता प्राप्त करने के लिए छोटा सा उपाय है, उसको करें। उपाय कि वो एक बाजार से भोजपत्र खरीद ले। भोजपत्र है जो आराम से दुकानों पर मिल जाता है, पंसारी दुकान पर मिल जाएगा। और भोजपत्र पे आप चंदन से आप जो भी आपके प्रेमी या प्रेमिका जो भी है आप उनका नाम लिखिए। और नाम लिख करके आप मंदिर में जाइए और राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हुए अपने सच्चे प्रेम के लिए प्रार्थना कीजिए और उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। ऐसा करके आप देखिए तो आपको जो है, आपका प्रेम जो है सफल होगा, सिद्ध हो जाएगा और आपको अपने प्रेम में सफलता प्राप्त होगी, आपको अपने प्रेमी का साथ प्राप्त होगा। इसको आप जरूर करिए। ये बहुत ही आसान सा सरल उपाय है और जरूर करिए, क्योंकि इस दिवस को मत गवाइए। दूसरा हमारा जो उपाय है वो है कि अगर हमें सुंदर साथी प्राप्त कैसे हो। क्योंकि आजकल देखिए सब लोग शादी करते हैं तो वो अपने जो पार्टनर को देखते हैं, कि अपने जो संगी साथी को देखते हैं, उसको सुंदर प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा साथी जो सुंदर प्राप्त हो, उसका स्वरूप सुंदर हो, रूप सुंदर हो। तो ऐसे साथी को प्राप्त करने के लिए भी एक उपाय है, हल्का सा छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आप राधा कृष्ण मंदिर में जाइए और हल्दी, चंदन और कुमकुम जो है आप श्री राधा कृष्ण जी पे चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से जो है आपको अपने सुंदर साथी की प्राप्ति होती है। तो दूसरा उपाय है, इसको आप करिए। सुंदर अगर आपको साथी प्राप्त करना हो तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा हमारा जो उपाय है वो है दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाने के लिए। दाम्पत्य जीवन की पति पत्नी के बीच का संबंध मधुर कैसे हो, उसमें जो हमारी जो कटुता जो होती है वो कैसे कम हो, उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय है। इसको हम कर सकते हैं कि श्री राधा कृष्ण जी पे, श्री राधा जी पे आप जो है कपूर चढ़ा दीजिए और उस कपूर को जो है हम अपने बेडरूम में अगर प्रयोग में ले आएं तो उससे दाम्पत्य जीवन में जो है सफलता प्राप्त होती है, उसमें प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये छोटा सा उपाय है, इसको आप कर सकते हैं। और चौथा हमारा जो उपाय है वो है कि हम अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे प्राप्त करें। अच्छे स्वास्थ्य हमें कैसे प्राप्त हो, हमारी गुड हेल्थ कैसे बने, हम कैसे फिट रहें, कैसे, क्योंकि आजकल देखिए जो फिट रहता है वही आगे सफल रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें श्री राधा कृष्ण जी का चित्र ले लीजिए या उनकी मूर्ति हो मंदिर में, घर पे भी कर सकते हैं लेकिन मंदिर में करेंगे तो ये ज़्यादा फलदायी होता है। श्री राधा कृष्ण जी के चित्र पर हम जो है केसर मिश्रित दूध चढ़ाएं, उनकी मूर्ति हम दूध से उनका स्नान करा दें, तो आप देखिए आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जैसे व्यक्ति कोई जिम जाता है, जिम जाने पर उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा उपाय करने से देखिए धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य खिल जाएगा, रोग जो भी होगा वो दूर होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सरल छोटा सा उपाय है, इसको जरूर करिए। हमारा अगला उपाय है गुड लक, यानी कि हम अपने भाग्य को अच्छा कैसे बनाएं, हम अपने भाग्य में भाग्य को कैसे मजबूत बनाएं। क्योंकि देखिए भाग्य जो है, ये श्री राधा कृष्ण जो है ये देवी स्वरूप हैं, लक्ष्मी जी का अंश हैं और कृष्ण जी तो सब जगत जगदेश्वर हैं और इनके कृपा मात्र से ही हमारा भाग्य अच्छा हो जाता है। ये अगर भ्रकुटी मात्र भी हिला दें तो भाग्य हमारा सुधरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कृष्ण राधा कृष्ण की अगर हम इस दिन उपाय कर लेते तो हमारा भाग्य बनेगा। तो सरल सा उपाय है, तुलसी पत्र ले लीजिए। तुलसी पत्ता जो आराम से हमें मिल जाता है घरों में, तुलसी पत्र ले लीजिए, उस पर आप सफ़ेद चंदन लगा दीजिए और लगा करके श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में ले जाइए, उनके चित्र पर चढ़ा दीजिए। और अगर मिल जाता है तो वापस ले आइए घर पे, अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ भी चढ़ा सकते हैं आप। इससे आपका जो है, जो हमारा जो भाग्य है वो अच्छा काफ़ी बनना शुरू हो जाता है, मजबूत होना शुरू हो जाता है। अगला उपाय इस बारे में कि हम अपने
किसी के भी साथ, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार में कोई भी हो या मित्र हैं, किसी से भी हमारे विवाद हो जाते हैं, बिना किसी कारण से विवाद हो जाते हैं। क्योंकि जब होना होता है तो फिर जब हमारी किस्मत ख़राब होती है तो विवाद किसी से भी जाते हैं, तो हमें ऐसे विवादों को टालना चाहिए जिससे कि हम आगे जीवन में सफलता के क्षेत्र पर आगे बढ़ें। विवाद होने से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, विवाद ना हो तो हम आगे और बढ़ सकते हैं, तो विवादों को टालना चाहिए। तो ऐसे विवादों को टालने के लिए इस दिन भी आप एक छोटा सा उपाय करिए, और ये आप कर सकते हैं कि आप गौघृत यानी कि गाय का घी ले लीजिए, और इस गाय के घी में आप थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए, और इसको ले जाके आप श्री राधा कृष्ण जी के समीप यानी कि मंदिर में उनके समीप ले जाइए और एक अष्टमुखी दीपक जलाइए। ऐसा करने से आप ये दीपदान दीजिए, अष्टमुखी दीपक का ये दीपदान। देखिए दीपदान का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इसमें जो है हम बता रहे हैं कि आप दीपदान कीजिए, अष्टमुखी दीपक आप जरूर चढ़ाइए, और गोघृत यानी कि गाय के घी में थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए। इसको करिए, इससे देखिए कि आपके जो छोटे मोटे विवाद हुआ करते थे या जो हो रहे थे बेफालतू में, आप सोचते हैं कि ये तो होना नहीं चाहिए था, ये क्यों हो गया, ऐसे विवाद आपके धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ये विवाद टल जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो इन विवादों से बचिए और ये उपाय आप करिए। अगला हमारा जो उपाय है कि नुकसान से कैसे बचें। आप देखिए, हम कभी कोई भी व्यापार करते हैं, कोई वाणिज्य है या कोई भी कार्य करने जाते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है, तो कार्य की सफलता नहीं होती, नुकसान पहले हो जाता है। तो इस नुकसान से कैसे बचें, इस नुकसान से बचने के लिए एक बहुत छोटा सा उपाय इस दिन आप जरूर करें, ये नुकसान से अगर आप बचेंगे तो बहुत प्रभावी उपाय है। इसमें काले धागे में आप 12 फूलों की एक माला प्रो लीजिए, काला धागा ले लीजिए, उसमें आप एक 12 फूलों की एक माला ले लीजिए। फूल आप कोई से भी गुलाब के ले सकते हैं, बेला के हो सकते हैं, और जो भी आपके पास हो उनको आप ले लीजिए, और लेकर के इस माला को आप श्री राधा कृष्ण जी के चित्र पर चढ़ा दीजिए या उनके विग्रह पे मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। आप देखिए आपका नुकसान जो है कम होना शुरू हो जाएगा, या नुकसान आपका जो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा उपाय है, सरल उपाय है, इसको आप करिए और करके जो है आप नुकसान से बच सकते हैं। अगला हमारा जो उपाय है वो है कि हम प्रोफेशनल यानी कि एक जैसे हम कह सकते हैं कि अब प्रोफेशनल सक्सेस कैसे प्राप्त करें, जो किसी कार्य में प्रशिक्षित होता है, हमें ऐसी सफलता कैसे, हम कोई भी कार्य करते हैं लेकिन हम उसमें प्रशिक्षित नहीं होते, यानी कि हमें उसमें कोई विशेष खास शिक्षा हासिल नहीं होती, लेकिन हम उसमें फिर सफल नहीं हो पाते। तो ऐसे प्रशिक्षित होने के लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, आप 2 रुपये का एक सिक्का अपने हाथ में ले लीजिए और ओम राधाय कृष्ण नमः, ओम राधाय कृष्ण नमः, एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम राधाय कृष्ण नमः का जाप करिए, और जाप करके सिक्का जो अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप देखिए आपकी सफलता बढ़ जाएगी, जैसे कोई एक किसी क्षेत्र में कोई प्रोफेशनल व्यक्ति होता है उसकी तरह आपको ये सफलता प्राप्त होगी, आप अपने क्षेत्र में जो एक प्रोफेशनल बन जाएंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि अब मैं इस क्षेत्र का एक विशेषज्ञ बनता जा रहा हूँ। इस तरीके से आपको प्रोफेशनल सक्सेस के लिए आप ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत छोटा सा उपाय है, 2 रुपये का सिक्का हाथ में लेना, ओम श्री राधा कृष्ण नमः का जाप करिए। जाप करिए 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं, या जैसा आपके पास समय हो उसके हिसाब से आप ये जाप करके इस सिक्के को फिर आप जो है तिजोरी में रख लीजिए, इसका बहुत ही बड़ा आपको फल मिलेगा। और अगला जो हमारा उपाय है वो है बच्चों के लिए शिक्षा में, कि हम अपनी शिक्षा में कैसे सफल हों। बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी वो उतना अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते, तो वो अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई देखिए पढ़ाई हम उपाय कर रहे हैं, उपाय करने से जो है हमें अपने प्रयास बंद नहीं करने चाहिए, उपाय करते रहने चाहिए, पर साथ में हमें अपने प्रयास भी करने चाहिए। देखिए प्रयास करेंगे तभी उपाय सफल होते हैं, हम उपाय करते रहें प्रयास ना करें तो उपाय जो हमारे निष्फल हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करेंगे। तो अपने आप जो है प्रयास जरूर करिए, तो बच्चों से कहिए अच्छे टाइम पर पढ़ें, समय से पढ़ें, और उसके लिए एक उपाय है आप उनके माध्यम से कर सकते हैं, वरना आप खुद भी कर सकते हैं, छोटा सा उपाय उनको पता भी नहीं चलेगा, और आप चाहें तो बिना बताए भी उपाय कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण जी के चित्र पर आप 5 सफ़ेद रंग के फूल चढ़ा दीजिए, बेला का हो सकता है या कोई भी आपके पास जो 5 सफ़ेद रंग के फूल जो आपके पास उपलब्ध हो बाजार में आसानी से, आप उसको चढ़ा दीजिए। आप देखिए बच्चे की शिक्षा में मन लगना शुरू हो जाएगा, उसको सफलता प्राप्त होती है, ऐसे उपाय आप करिए। अगला हमारा उपाय है कि हम अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। ये समय चल रहा है कि हमारे सबके व्यापार जो लगभग लगभग नीचे गिर रहे हैं या घाटे में जा रहे हैं, सबकी ये अपनी समस्या रहती है कई बार, तो इस समस्या से निपटने के लिए इस दिन का एक खास उपाय है, आप इसको कर सकते हैं कि हम अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसका उपाय है कि श्री राधा कृष्ण जी के चित्र यानी कि विग्रह भाई मंदिर में चले जाएं, घर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में करेंगे तो देखिए ज़्यादा फलदायी होता है। मंदिर में आप चले जाइए और नारियल मिश्री जी का भोग लगाइए, नारियल मिश्री जी पर चढ़ा दीजिए, और भोग बचता है तो घर पे ले आइए, सबको खिलाइए और उसको आप चढ़ाइए। देखिए आपका व्यापार में मनोकामना कीजिए भगवान से कि हमारा जो है व्यापार आगे बढ़े, हम आगे व्यापार में अच्छे से तरक्की कर पाएं, ऐसी उनसे मनोकामना के साथ आप ये उपाय करिए, देखिए आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापार फलने फूल लगेगा। छोटा सा उपाय, देखिए छोटे छोटे उपाय होते हैं,
हम प्रयास करें तो छोटे उपाय हमें बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं। तो आप इन छोटे उपायों को जरूर कीजिए, इनको आप जो है कमतर मत आंकिए, ये बहुत बढ़िया उपाय हैं, क्योंकि ये उपाय हैं और दिन का खास महत्व होता है। तो किसी खास दिन के महत्व में कोई खास छोटा सा उपाय करते हैं तो वो बहुत बड़ा फलदायी हो जाता है। तो आप ये उपाय करिए, सरल है, आसान है, कोई आपका बहुत बड़ा रुपया नहीं खर्च होगा, बहुत सरल आसान सा उपाय है। इसके अलावा एक हमारा उपाय होना, अगला उपाय है वो है पारिवारिक खुशहाली के लिए, कि हम अपने परिवार में खुशहाली कैसे रखी जाए। देखिए बहुत बार होता है कि परिवार में कलह रहता है या कलेश मचा रहता है, बेफालतू के जो है अपवाद बने रहते हैं या विवाद होते रहते हैं, आपस में ही मनमुटाव बना रहता है। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हम एक छोटा सा उपाय, इस दिन का जो खास महत्व का उपाय हम बता रहे हैं कि ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, क्योंकि वल्लभा जो है वो वल्लभ यानी कि श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। तो वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। जाप की संख्या देखिए अपने समय अनुसार कीजिए, जाप का ऐसा नहीं कि आप 11 माला करेंगे, 51 माला करेंगे, एक माला करें, नहीं, अगर आप नहीं बैठ पा रहे तो कोई बात नहीं, जितने समय के लिए भी करें अच्छे से करें और श्रद्धा भाव से करें। देखिए श्रद्धा सबसे बड़ी होती है, श्रद्धा भाव सबसे बड़ा होता है किसी उपाय को करने के लिए। तो आप जो है पहले श्रद्धा भाव को बनाएं और श्रद्धा भाव के साथ इस छोटे छोटे उपाय को करिए। तो आप इस उपाय को करिए, ओम राधा वल्लभाय नमः, देखिए आप इसका जाप करिए, देखिए आपके मन में जो है या आपके परिवार में जो है जो कलह है जरा वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा या बंद होना शुरू हो जाएगा। अगर परिवार के सभी सदस्य ये उपाय कर सकें बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो अगर आप करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कर सकते हैं या जो भी हो, जिनसे जो भी करना चाहें वो आप करवा दीजिए, बहुत बढ़िया और सरल सा आसान सा उपाय है। अगला हमारा जो उपाय है, प्रेम जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, यानी कि लव लाइफ में हमें सफलता कैसे प्राप्त हो, कैसे हम उसमें जो है सफल हो। बहुत से लोग की लव लाइफ है कमजोर हो जाती है या वाद विवाद हो जाता है या किसी बात से मनमुटाव हो जाता है, आजकल समय ऐसा है, तो हम इसमें कैसे सफलता प्राप्त करें, इसके लिए भी छोटा सा सरल उपाय है और कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया आसान उपाय कि सफेद कपड़ा ले लें और सफेद कपड़ा ज्यादा बड़ी छोटा सा सफेद कपड़ा ले लें, उसमें आप 5 केले बांध दीजिए, बांध करके श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाइए, उनके विग्रह पर चढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपकी जो मनोकामना थी उसके लिए प्रार्थना कीजिए। देखिए आपकी लव लाइफ में जो है सफलता मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा, बहुत बढ़िया आसान छोटा सा उपाय था। अगला उपाय है हमारा कि विवाहित जीवन को कैसे खुशमय बनाएं, विवाहित जीवन को भी खुशमय बनाए रखना बहुत जरूरी है, और राधा कृष्ण मंदिर में जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, राधा कृष्ण मंदिर में जाइए, वहां पे जो किसी ने इत्र चढ़ाया हो या आप भी इत्र चढ़ा दें, चढ़ाने के बाद आप वापस पुजारी से कह के ले ली सकते हैं, इत्र चढ़ा हुआ इत्र ले आए और ला करके प्रयोग में लाएं, देखिए आपकी जो विवाहित जीवन था वो सुखमय हो जाएगा, वो आनंद से बीतना शुरू हो जाएगा। ये हमारे कुछ उपाय थे, इनको करिए, इनको करने से जीवन अत्यंत सफल होगा। आप मैं जिन जिन क्षेत्रों में बताया उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी, जिस भी क्षेत्र में आपको कोई विवाद है या कोई आपकी बाधा है अड़चन है उसको दूर करिए और उसको उपाय, इस उपाय को करिए। और इस दिन का एक विशेष मंत्र है, आप चाहे तो उस विशेष मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, उस विशेष मंत्र का आप जाप करिए इस दिन, और इस विशेष मंत्र है कि हमारा ओम मम राधा सर्वेश्वर नमः, मम राधा सर्वेश्वर शरणम, मम राधा सर्वेश्वर शरणम, इस छोटा सा मंत्र का विशेष मंत्र है, इसको आप जाप कर सकते हैं, मम राधा सर्वेश्वर शरणम, मम राधा सर्वेश्वर शरणम, इसका आप जाप किए अत्यधिक जाप कर सकते हैं, जितना आप जाप कर सकते हैं उतना जाप करिए। और समय काल इसका इस बार की राधा अष्टमी जो है वो 26 अगस्त को पड़ रही है और इसका शुभ मुहूर्त है वो हमारे 11:51 यानी कि सुबह 11:51 से 12:39 तक ये आपका शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप इस मंत्र का जाप कीजिए, मम राधा सर्वेश्वर शरणम, इसका जाप कीजिए और हमने जो उपाय बताए हैं उस उपाय को आप करिए, इस उपाय को करिए। और इसके साथ आपने अगर व्रत पूजा कथा विधि वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख के आप इन उपाय को करिए, आपके जीवन में मंगल हो, शुभकामना आए और आपका जीवन सफल हो। इसी के साथ हम आपको विदा लेते हैं, जय श्री कृष्णा।